वक्त है आपका हिंदी। हिंदी में आप ऑलरेडी इक आप कर चुके हैं, अब स्वर है आपका नेक्स्ट ई। इसको आपको रिलैक्स होके बोलना है। ई से ईक, ई से ईंट, ई से ई। तो बच्चों आपको हिंदी पढ़ो और सीखो। में आपको आज क्या वर्क करना है, आज आप बुकलेट में वर्क करेंगे। ये जो आपकी वन लाइन है इसको आप कंप्लीट करेंगे, ये आप ऑलरेडी रीड कर चुके हैं हिंदी पढ़ो और सीखो में, और आपने ये एक्टिविटी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ई से ईक, ये मैंने आपकी एक्टिविटी पहले ही रेडी करवा दी थी, आप ये वर्क कर चुके हैं, आपको इसके बारे में अच्छे से पता है। और साथ ही साथ आपको बुकलेट में भी वर्क करना है हिंदी पढ़ो और सीखो में, पेज नंबर 9 एंड हिंदी बाल अक्षर ज्ञान प्रवेशिका में आप पेज नंबर 4 में भी आप साथ ही साथ वर्क करेंगे एंड इसके अंदर आप कलर भी फिल करेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे मैं आपको एक बार बोर्ड पे समझा देती हूँ कि इसको हम कैसे लिखेंगे। जैसे आपकी नोटबुक में लाइंस होती हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ, लाला जी की छत, लाला जी का मोटा पेट, जैसे आप सी बनाते हैं, फिर आप उल्टी सी बनाते हैं, फिर आप अंदर को सर्कल 0 बनाते हैं और आप पूंछ बनाते हैं, यहाँ आपको लाला जी की छत के ऊपर भी आपको ये उनकी चोटी बनानी है। ओके, ऐसे लाला जी की छत सी बनाएंगे, छड़ी के बाद उल्टा सी, अंदर 0 बनाएंगे, नीचे पूंछ बनाएंगे और लाला जी की चोटी भी बनाएंगे। ये बन जाएगी आपकी ई से ईक, ई से ईट, ई से ईंट। तो बच्चों ये था आपका सेकंड वर्क, हम कल फिर से आएंगे न्यू वर्क के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय।